क्या आपको ये बात पता है कि विटामिन डी जो है वो काम नहीं करेगा अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, क्योंकि जिंक जो है एक जो मिनरल है, अगर इसकी कमी होगी आपकी बॉडी में तो विटामिन डी का रिसेप्टर काम नहीं करेगा। तो आज मैं आपको इसकी पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ, वीडियो के एंड में कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा आपको कि विटामिन डी और जिंक दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में सही काम करें, आप सेहतमंद रहें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ कि विटामिन डी और जिंक का क्या रिलेशन है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इन दोनों के अंदर रिलेशन है, वो ये है कि जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं करते अगर जिंक की कमी हो आपके अंदर। आयरन के बाद जिंक जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन मिनरल है इस पूरी दुनिया में जो पाया जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कुव्वत मदाफियत कमज़ोर है तो आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, इन्फेक्शन भी होंगे, हड्डियों में दर्द भी होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें विटामिन डी और जिंक से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक की डेफिशिएंसी का पता कैसे चलेगा आपको कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो? जायका है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और कम हो जाएगा, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, टेस्टोस्टेरोन आपका कम हो जाएगा, मर्दाना सारी प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगी, मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जुलाब आपको लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, बाल गिर सकते हैं आपके, इसीलिए कहते हैं कि जिंक बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिल्द पे इन्फ्लेमेटरी लेजन्स निकल सकते हैं, जिल्द ख़राब हो सकती है, विजन आपकी ख़राब हो सकती है, आँखें जो है आपकी कमज़ोर हो सकती हैं, ब्लड विजन हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, पूरी बॉडी के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं और जीआई ट्रैक के अंदर भी अल्सर्स हो सकते हैं इसकी वजह से। इम्यून सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है और इम्यून सिस्टम के लिए आपका एक चीज़ होती है थाइमस। थाइमस जो है अगर वो भी आपका सही काम नहीं कर रहा, उसकी एट्रोफी हो जाती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जिंक की डेफिशिएंसी की। और यही सारी चीज़ें आपकी कुव्वत मदाफियत, विटामिन डी और जिंक से सारी रिलेटेड है। जिंक जो है वो ये करता है कि विटामिन डी जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है लेकिन किसी काम नहीं आ रहा होता, उसको एक्टिवेट कर देता है, उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और विटामिन डी को भी एक्टिवेट कर देता है। फिर उसकी वजह से आपकी कुव्वत मदाफियत बहुत बेहतर होने लग जाती है, और जब कुव्वत मदाफियत बहुत बेहतर होती है तो उसकी वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। जब आपने कोरोना हुआ था तो कोविड के अंदर सुना था कि एक साइटोकाइन स्ट्रॉम होती है, जब इन्फेक्शन होता है ना तो ये स्ट्रॉम आती है, तो जब कुव्वत मदाफियत बेहतर होती है तो उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। एक शॉक होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक होता है, आपको उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है कि जी जो इम्यून कुव्वत मदाफियत है उसको स्ट्रॉन्ग कर। जब ये एक्टिव होता है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं आपकी, जो सेल को ही सेल मार रहा है और जंग लड़ रहा है, उसको कम करता है ये। और इसमें एक चीज़ होती है मोनोसाइट्स, वो छोटे सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज जो है बड़े सेल्स होते हैं और वो बैक्टीरियाज़ को खाते हैं, और ताकि आपकी बॉडी में ये जो गंदे बैक्टीरियाज़ हैं उनके अगेंस्ट फाइट की जा सके, ताकि कुव्वत मदाफियत आपकी बेहतर हो जाए। तो ये सब जो है जिंक और विटामिन डी मिलके करते हैं। जिंक जो है वो 50% आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है, जो आपके मसल्स हैं उनके अंदर स्टोर होता है। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनके अंदर जिंक ज़्यादा होगा, आपको जिंक कैसे मिले। सीप होती हैं और सीप के बीच में होते हैं ऑयस्टर, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, लॉबस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, झींगे प्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो सी फूड के अंदर आपका जिंक बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो जिगर होता है, लिवर हम खाते हैं जानवरों के, उसके अंदर ज़्यादा होता है, रेड मीट के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। रेड मीट का एक्सेस बुरा है लेकिन थोड़ी अमाउंट में आप खा। जिंक जो है वो उसकी कमी हो सकती है अगर आप जिंक गिज़ा में नहीं ले रहे, तो इसलिए इसमें जो मैंने आपको गिज़ा बताई है उसमें लेना बड़ा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के अंदर भी जिंक की प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, खून की कमी होती है, उसकी एक टाइप होती है, एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, और उसकी टाइप होती है सिकल सेल, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जिंक जो आपका एक्सक्रीट बाहर जिस्म से ज़्यादा निकलना शुरू होता है। लिंक विटामिन ए और कॉर्टिसोल से भी है, और जिधर भी जिस्म में प्रॉब्लम होती है तो जिंक जो है विटामिन डी को जो है रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट करता है और वहाँ पे भेज भी देता है। ये एक सुपरफिशियली मैंने आपको बताया कि जिंक जो है कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर जिंक नहीं होगा तो विटामिन डी के रिसेप्टर्स और विटामिन डी भी आपका काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। और भी आपकी कोई क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं DR_HHQ पे, क्यों मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। घंटी का आइकॉन दबाएँ ताकि आगे भी आपको अलर्ट मिल सके। अपना खास ख्याल रखें क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया।